गुड मॉर्निंग एवरी वन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक ऑफ कमर्शियल लॉ, डैट इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। सो बेसिकली द वर्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स अराइज एज फॉलोज। सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज दीज आर नॉट फॉर्म्ड बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है बट ये पार्टीज़ के द्वारा फॉर्म नहीं किए जाते, नॉट फॉर्म्ड बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ये क्या चीज़ है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये एनफोर्स्ड हैं बाय द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब किसी लॉ के द्वारा जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उनके ऊपर ये इन्फोर्स किया जाता है। इस वजह से इसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है, ठीक है जी। बिकॉज बेसिकली जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स की फॉर्मेशन की बात करते हैं, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली थ्री फॉर्म्स में डिफाइन किया गया है। या तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, तीसरे होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। जो एक्सप्रेसली एक्सप्रेस तौर पे दिखाए गए हों वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स से हम कर चुके हैं अर्लियर चैप्टर्स में, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि एज पर लॉ एनफोर्स किए जाते हैं पार्टीज़ के ऊपर, पार्टीज़ एज पर लॉ उनको परफॉर्म करती है। तो बात करते हैं व्हाई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। कहते काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं विच कम्स अक्रॉस इन द लाइफ्स ऑफ पीपल, वेयर इन द सिचुएशन इज सच डैट लॉ हैज़ टू एनफोर्स अपॉन सम कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर मेंटेनिंग जस्टिस एंड लॉ एंड ऑर्डर। कहते कानून को बनाए रखने के लिए, जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसके अंदर ऐसे लॉ होने चाहिए ताकि जो जस्टिस है वो मेंटेन किया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। वो केसेस कैसे होते हैं? से फॉर एग्जांपल इन्होंने बात की है, वेयर सम गुड्स बिलोंगिंग टू अ पर्सन आर रॉन्गली डिलीवर्ड टू अ रॉन्ग पर्सन। किसी और के गुड्स किसी और को डिलीवर हो जाए, तो अब अगर वो पर्सन लेटर ऑन ट्रू ओनर को वो पोजेशन चाहिए और वो पर्सन कहे जी मुझे तो डिलीवर हो गए मैं तो नहीं करता वापस, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स से बचने के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की फॉर्मेशन की गई। नाउ इफ द पर्सन रिटेन्स द गुड्स एंड द ट्रू ओनर वांट्स टू हैव देयर पोजेशन बैक, देन देयर हैज़ टू बी सम लॉ दैट गिव्स जस्टिस टू द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स। कहते कुछ लॉ ऐसा होना चाहिए जो जस्टिस दे ट्रू ओनर को जिसके गुड्स का पोजीशन किसी और के पास चला गया। सिमिलरली वेयर द फाइंडर ऑफ गुड्स टुक पेन इन फाइंडिंग द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स एंड इन रिटर्न वांट्स टू बी कंपनसेटेड फॉर द जेन्युइन एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड। अब सपोज किसी को गुड्स मिले उस रस्ते में मिल गए बट उसने उसके ट्रू ओनर का पता लगाया उस तक गुड्स पहुंचाए, तो बेसिकली ही हैज़ टू बी कंपनसेटेड फॉर द जेन्युइन एक्सपेंसेस इनकर्ड। अगर उसका कोई किराया लगा उस तक पहुंचने के लिए या कोई और खर्चा हुआ तो उसको जो जेन्युइन एक्सपेंसेस वो देने चाहिए, ठीक है। बेसिकली टू थर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स होता है ये चीज़। देन देयर शुड बी सम प्रोविजन इन द लॉ डेट रिवार्ड्स द गुड्स डीड वन। अगर किसी के अच्छे कामों को रिवार्ड करने के लिए भी कुछ लॉ होना चाहिए, इसी वजह से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को लाया गया। बेसिकली इसके अंदर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के जो फाउंडर माने जाते हैं वो लॉर्ड मैंसफील्ड को कहा गया है। इज द फाउंडर ऑफ द बेसिकली कंसिडर एज द रियल फाउंडर ऑफ द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो प्राइम रैशनले जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ की जाती है वो होती है थ्योरी ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ये थ्योरी क्या कहती है अनजस्ट एनरिचमेंट की? दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स डैट द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अनजस्ट एनरिचमेंट, भेदभाव। अनजस्ट एनरिचमेंट क्या है इसे हम समझने के लिए मैं अभी आपको फर्दर इसकी एग्जाम्पल भी दूंगा। अनजस्ट एनरिचमेंट मीन्स द एनरिचमेंट ऑफ अ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। किसी एक को ज़्यादा अमीर कर देना किसी दूसरे को कम अमीर करके, बेसिकली इसका ये मतलब है। इसको कैसे समझाइए, इसको ऐसे समझते। फॉर एग्जाम्पल अविनाश एंड हैरी ज्वाइंटली ओन्ड 50,000 टू अर्जुन सिंह। अविनाश और हैरी ने 50,000 पे किसके देने थे? अर्जुन सिंह के। बट अविनाश ने पे कर दिया एंटायर अमाउंट टू अर्जुन सिंह, बट हैरी उस चीज़ को अवेयर नहीं था। हैरी ने अगेन 50,000 पे दे दिए
अर्जुन को। अब दोनों ने देना तो 50,000 था, बट दे कितना दिया, 1 लाख रुपए। तो डबल एनरिचमेंट होगी ना, तो अनजस्ट एनरिचमेंट आ गई, इसे बोलते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट। दोनों ने पेमेंट कर दी, हेल्ड अर्जुन मस्ट रीपे द अमाउंट टू हैरी। एक बंदे की वापस वो पेमेंट करेगा ही करेगा, बिकॉज इट इज़ द टाइप ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट रिक्वायर्स डेट ऑल द थ्री कंडीशन गिवन बिलो मस्ट बी सेटिस्फाइड। कौन कौन सी? द डिफेंडेंट हैज बीन एनरिच्ड बाय द रिसिप्ट ऑफ द बेनिफिट्स, लाइक अर्जुन वाज एनरिच्ड बाय रिसीविंग 50,000 अगेन। ठीक है जी, तो क्या कंडीशंस है प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट की? वो कह रहे हैं तीन कंडीशन होनी चाहिए, जो डिफेंडेंट है उससे वो एनरिच हो जाना चाहिए, मतलब कुछ बेनिफिट उसको मिला है तो उसके कारण उसको डबल बेनिफिट हुआ। इधर उन्होंने डबल बेनिफिट ले लिया ना अर्जुन सिंह ने, टू अर्जुन मतलब अविनाश पेड द एंटायर अमाउंट, अर्जुन सिंह ने डबल बेनिफिट ले लिया, अर्जुन सिंह हैज बीन एनरिच्ड, तो जो डिफेंडेंट है ये एनरिच्ड हो गया डबली बिकॉज ऑफ द रिसिप्ट फ्रॉम द बेनिफिट फ्रॉम अर्जुन वाज एनरिच्ड बाय रिसीविंग 50,000 अगेन। तो डिफेंडेंट जो हैरी था उस केस में उसकी अमाउंट वापस जानी चाहिए। दूसरी बात, द एनरिचमेंट शुड बी एट द एक्सपेंस ऑफ द प्लेंटिफ, दैट इज अग्रीव पार्टी लाइक हियर। तो एनरिचमेंट किसके खर्चे पे हुआ? प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन है? अविनाश एंड हैरी। पुकार तो यही लगाएंगे ना कि इन्होंने डबल पेमेंट दे दी। प्लेंटिफ कौन होता है? वो पर्सन जिसके साथ अनजस्टिस हुई, और डिफेंडेंट वो जिस जो कह रहा है कि मैंने अनजस्टिस नहीं की, वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है। बोथ अविनाश एंड हैरी वर टू पे 50,000 बट नाउ एट देयर एक्सपेंस। ठीक है जी, अर्जुन हैज बीन एनरिच्ड, उनके खर्चे पे अर्जुन एनरिच हो गया बिकॉज दोनों ने अपने अपने पेमेंट कर दी है पहले ही एडवांस में, एक दोनों ने इकट्ठे करनी थी, दोनों ने डबल पेमेंट कर दी। द रिटेंशन ऑफ द एनरिचमेंट इज अनजस्ट, किसी एक के एक्स्ट्रा पैसे रखने अर्जुन के लिए अनजस्ट पोजिशन पे था। इट वॉज अनजस्ट ऑन द पार्ट ऑफ अर्जुन टू रिटेन द डबल अमाउंट। ठीक है जी, अर्जुन के पार्ट के ऊपर अनजस्टिफाइड था ये। देयरफॉर टू प्रिवेंट द अनजस्ट बेनिफिट मूविंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, द क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हैज बिन गिवन लीगैलिटी एंड एनफोर्समेंट इन द आइज ऑफ लॉ। इस कारण क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को लीगल फॉर्म में पावर्स दी गई हैं कोर्ट के अंदर, कि अगर लीगैलिटी या इन्फोर्सबिलिटी करवा सकते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेसिकली कॉल्ड एज ऑफ सर्टेन रिलेशन रिजेम्बलेंस विद दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज दीज रिजेम्बल्स द लॉ रिलेशनशिप एज क्रिएटेड बाय अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी वजह से इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा दिया गया, कि बिकॉज वैलिडिटी लाई गई है, बिकॉज तभी इसको हम इन्फोर्स कर सकते हैं कि अगर क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कोई अराइज हुई है तो वो किस तरह से उसको पूरा करेंगे। फीचर्स क्या हैं क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के? सबसे पहले गिव राइज टू राइट ऑफ अ सम ऑफ मनी। ठीक है जी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जनरली अलाउज द एग्रीव पार्टी, दैट इज द प्लेंटिफ, टू बी कंपनसेटेड इन मनी फॉर हिज राइट। ठीक है जी, वो वापस जैसे हमने हमारे पुराने केस में अविनाश और हैरी थे, ठीक है, तो दोनों ने पेमेंट कर दी, चाहे वो हैरी को कंपनसेट करे, तो एक एक पर्सन को एक्स्ट्रा जो उन्होंने डबल बेनिफिट उनसे ले लिया उसको एक बेनिफिट वापस करना होगा। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्स्ड बाय लॉ, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम, सच कॉन्ट्रैक्ट्स डू नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था पार्टीज में, बट आर इम्पोज्ड बाय द लॉ बिकॉज कानूनन बनता है कि उसको एक ही बंदे से पेमेंट लेनी चाहिए थी, दूसरे बंदे से उसने एक्स्ट्रा पेमेंट ले ली, बट आर इम्पोज्ड बाय द लॉ ऑन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट। ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट्स? क्या है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट के ऊपर बेस्ड है। सच राइट्स आर अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन और पर्संस। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स गिव राइज टू राइट्स दैट एग्जिस्ट अगेंस्ट वन स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंड नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। दीज आर राइट्स इन पर्सोनम एंड नॉट राइट इन देम। ये जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया था तो ये राइट इन पर्सोनम क्या है? राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, उसे बोलते हैं राइट टू पर्सोनम। जब हम हमारे पास राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड आ जाते हैं उसे बोलते हैं राइट इन रैम। तो ये कह रहे हैं कि जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक किस तरह का राइट अराइज करते हैं, वो राइट टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, मतलब उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से उसका राइट वापस लेने के लिए राइट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसको राइट इन पर्सोनम बोला जाता है, ना कि राइट इन रैम। जब हमारे पास कोई राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड आ जाए
उसे बोलते हैं राइट इन रैम। जब हमें हमारे पास राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन आए उसे बोलते हैं राइट इन पर्सोनम। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के केस में कौन सा राइट अवेलेबल होता है? राइट इन पर्सोनम। उसके बाद आ जाती हैं प्रोविजंस इन द लॉ फॉर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। जो प्रोविजंस अवेलेबल हैं सेक्शन 68-72 में और काइंड्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब सबसे पहली प्रोविजन क्या है? सेक्शन 68 कह रहा है क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कहते अगर कोई पर्सन इनकैपेबल है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके लिए अगर कोई उसको नेसेसिटीज प्रोवाइड करनी है तो वो क्लेम कर सकता है उस नेसेसिटीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 11 इनकैपेबल पर्सन को डिफाइन किया गया अंडर लॉ। कौन होता है? या तो वो कोई माइनर है या कोई अनसाउंड पर्सन, अनसाउंड माइंड का पर्सन है, या पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, या किसी को कानून के द्वारा डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है कि वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लायबल नहीं है। तो वेयर अ पर्सन सप्लाईज नेसेसिटी आइदर टू एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन। अगर कोई पर्सन कोई नेसेसिटीज खाने पीने की चीज़ें है ना इस तरह के, या माइनर चाइल्ड या किसी की वाइफ को है ना, माइनर वाइफ और चिल्ड्रन को प्रोवाइड कर रहा है, और एनी वन हुम इज इनकॉम्पिटेंट पर्सन एंड इज लीगली बाइंड टू सपोर्ट, तो उस केस में भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाती हैं। द पर्सन हु सप्लाईज सच नेसेसिटीज इज एंटाइटल्ड अंडर सेक्शन 68 टू बी रीइंबर्स बाय द इनकॉम्पिटेंट पर्सन। अब पर्सन ये कह के नहीं छूट सकता कि इनकॉम्पिटेंट है, वो उनकी एंटाइटलमेंट पूरी नहीं करेगा, बिकॉज उन्होंने उनको नेसेसिटीज सप्लाई किए हैं तो वो रीइंबर्स करेंगे बाय द इनकॉम्पिटेंट पर्सन। बट द इनकॉम्पिटेंट पर्सन इज नॉट पर्सनली लायबल। कौन पर्सन लायबल होगा? जो उसका गार्डियन होगा। सच रीइंबर्समेंट कैन बी मेड ओनली फ्रॉम द प्रॉपर्टी इफ एग्जिस्टिंग इन द नेम ऑफ द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड टू पे बाई लॉ एंड हु देयरफॉर पेज इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर। ये अलग चीज़ है, लास्ट में इसको हम थोड़ा कंप्लीट कर दें। सच पर्सन रीइंबर्समेंट क्या होगी? ओनली फ्रॉम द प्रॉपर्टी इफ एग्जिस्टिंग इन द नेम ऑफ द इनकॉम्पिटेंट पर्सन। अगर इनकॉम्पिटेंट पर्सन के केस में कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी एग्जिस्ट है तो उस केस में उसी प्रॉपर्टी से रीइंबर्स किया जाएगा, अनलेस अदरवाइज या तो उसका कोई गार्डियन रीइंबर्स करेगा और कोई पर्सन नहीं कर सकता। ठीक है जी। सेक्शन 69 क्या कह रहा है? पेमेंट मेड बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। दूसरी क्या है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन लायबल होने के लिए कि जो पेमेंट है वो किसी इंटरेस्टेड पर्सन से होनी चाहिए, कि उसका कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए उस पेमेंट करने में, अनलेस अदरवाइज वो क्लेम रीइंबर्स नहीं कर सकेगा। तो ये कैसा केस होता है? अंडर दिस सेक्शन व्हेन एवर वन पर्सन वाज बाउंड बाय लॉ टू पे समथिंग, दूसरा द अदर पर्सन इज इंटरेस्टेड इन सच पेमेंट बिकॉज द अदर पर्सन सम इंटरेस्ट इज कनेक्टेड टू द पेमेंट मेड बाय द फर्स्ट पर्सन। कोई दूसरे थर्ड पर्सन की पेमेंट कर रहा है, अदर पर्सन फर्स्ट पर्सन की पेमेंट कर रहा है जो बाउंड बाय लॉ है पेमेंट करने के लिए, दूसरा पर्सन उसके साथ कनेक्टेड है उसकी पेमेंट कर रहा है। नाउ दिस अनदर पर्सन एक्चुअली पेज दैट अमाउंट ड्यू टू द अदर पर्सन। इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं कैसे। देयरफॉर द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट डिमांड्स दैट द अदर पर्सन नाउ शुड बी रीइंबर्स्ड बाय द फर्स्ट पर्सन। ये भी प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट ये भी कहता है अगर कोई अदर पर्सन जिसका इंटरेस्ट था पेमेंट कर दी उसने उसके बिहाफ पे, तो वो उसको रीइंबर्स भी करने के लिए लायबल है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। पेमेंट ऑफ द इंटरेस्टेड पर्सन ए द जमींदार, कोई जमींदार है जी मिस्टर ए, वॉज लीगली बाउंड टू पे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करने के लिए बाउंड था। बी हैज इंटरेस्ट इन सच ए पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू बिकॉज बी का इंटरेस्ट था उस पेमेंट को करने में, रीजन बींग उसने वो लैंड लीज पे ली हुई थी, एंड बिकॉज इफ द रेवेन्यू ड्यू टू द गवर्नमेंट इज नॉट पेड द लैंड शैल बी सॉल्ड ऑफ। अगर वो रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं पे करते तो लैंड बिक जाती, एंड बी पेज दिस रेवेन्यू ड्यू टू ए बाय द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट, मतलब ए द्वारा जो ड्यू पेमेंट था बी ने पेमेंट कर दी, हेंस बी मस्ट नाउ बी रीइंबर्स्ड बाय ए फॉर सच रेवेन्यू पेड। अगर उसने लैंड लीज पे ली हुई थी है ना, अगर लैंड गवर्नमेंट बेच देती तो उसका इंटरेस्ट भी था बीच में, तो उसका इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए उसने पेमेंट कर दी, तो लेटर ऑन ये नहीं है कि वो पेमेंट उसका इंटरेस्ट था कि लैंड में पेमेंट तो उसने की, एंड ही मस्ट रीइंबर्स बाय ए फॉर सच रेवेन्यू पेड बिकॉज उसका इंटरेस्ट भी था, एंड इसलिए उसकी पेमेंट भी उसको रीइंबर्स करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 70। सेक्शन 70 क्या कह रहा है? सेक्शन 70 कह रहा है जी ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटुइटस पेमेंट्स।
नॉन ग्रेटिट्यूस पेमेंट्स किस तरह की है ऑप्शन 70 में, मतलब वन पर्सन डज समथिंग फॉर द अदर लॉफुली और डिलीवर्स एनीथिंग टू द अदर पर्सन लॉफुली, द पर्सन डूइंग सच एन एक्ट शुड नॉट हैव इंटेंडेड टू डू इट ग्रेटिट्यूसली विदाउट रिवॉर्ड, द पर्सन हुम सच एक्ट वॉज डन इंजॉयड द बेनिफिट्स ऑफ एक्ट। तो ये तीन केसेस होते हैं तब ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन क्या है, जिम्मेवारी बन जाती है पर्सन कि अगर उसने बेनिफिट लिया है तो वो नॉन ग्रेटिट्यूस नहीं है तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। देन द लेटर इज बाउंड टू कंपनसेट द फॉर्मर ऑफ द थिंग्स, सो देन सो शुड रीस्टोर द रिटर्न टू द थिंग्स सो डिलीवर। अब इसके एग्जाम्पल, एक कुआं था विच वॉज वेल वॉज ज्वाइंटली ओन्ड बाई जमींदार एंड द गवर्नमेंट, एक जमींदार का भी होल्ड था उसके ऊपर, गवर्नमेंट का भी होल्ड था। द वेल रिक्वायर्स रिपेयर, उस वेल को बच्चे क्या चाहिए थी, रिपेयर चाहिए थी, एंड द गवर्नमेंट गॉट द वेल रिपेयर, गवर्नमेंट ने क्या किया उस वेल को रिपेयर करवा दिया, बट क्या था, गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं थी कि इंटेंशन ऑफ गेटिंग दिस रिपेयर डन ग्रेटिट्यूसली, मतलब उन्होंने ये नहीं चाहा कि उसका वो ऐसे ही फ्री में काम कर दें, उसके बदले में उसको पेमेंट चाहिए थी गवर्नमेंट को। द जमींदार इंजॉयड द बेनिफिट्स ऑफ दिस एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हेल्ड द जमींदार वाज लायबल टू कंपनसेट द गवर्नमेंट फॉर द रिपेयर सो डन। तो ये भी देखा गया कि ये जमींदार की भी ऑब्लिगेशन बन गई है कि वो गवर्नमेंट को कंपनसेट करे फॉर द रिपेयर सो डन जिसका वो बेनिफिट उठा रहा है, ठीक है जी। तो ये भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाते हैं। उसके बाद फर्दर है जी सेक्शन 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अगर लास्ट नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट की एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक रिक्शा पुलर है बच्चे, रिक्शा पुलर है, ही वॉज गोइंग थ्रू द स्ट्रीट एंड ही सॉ अ लेडी विद अ बैग फुल ऑफ वेजिटेबल्स, लेडी जा रहे थे बैग फुल ऑफ वेजिटेबल्स, हैवी उनके पास सामान था, काफ़ी सारे बैग्स फुलफिल थे, तो उन्होंने कहा कि आज मैं आपको छोड़ दूँ, एंड लेडी एक्सेप्ट्स, ठीक है जी। डेस्टिनेशन पे पहुँच गए तो लेडी ने कहा, उसने कहा जी पैसे, उसके कहा भी मैंने तो कहा ही नहीं आपको मुझे लेके जाने को, आपने मुझे ऑफर किया, बट इन दैट केस द लेडी इज बाउंड टू पे द मनी बिकॉज रिक्शा पुलर का कोई काम ही है उसको ले जाना, वो तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। तो इन दैट केस द पुलर कुड क्लेम लॉफुल चार्जेस फ्रॉम द लेडी, जो भी कानूनन उसके चार्जेस बनते हैं वो क्लेम कर सकते हैं बिकॉज द एक्ट वॉज नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट, वो ग्रेटिट्यूस नहीं था। हाँ रिक्शा पुलर उसका रिलेटिव होता है ना, उसको कहता भी मैं तो फ्री में छोड़ दूंगा आपको, फिर अलग बात थी, अब तो उसने वैसे ही पूछा है ना, वो सभी को पूछते हैं, तो उस केस में रिक्शा पुलर कैन क्लेम लॉफुल पेमेंट्स फ्रॉम द लेडी। तो इस तरह से भी हम एग्जांपल्स को समझ सकते हैं। देन फर्दर बात करते हैं सेक्शन 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स फाइंडर ऑफ गुड्स में भी बहुत अच्छा एप्लीकेबल होता है। द पर्सन हु फाइंड सम लॉस्ट गुड्स ऑफ द अदर पर्सन इज नोन एज अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, मतलब फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कौन है, जिसको किसी दूसरे के कोई गुड्स मिले हैं। सच अ फाइंडर इज अंडर अ लायबिलिटी टू एक्ट एज अ बेली, बेली कौन पर्सन होता है, जो किसी के गुड्स को बड़े ही संभाल के रखे, है ना। बेली को अगर हम समझ लें कि बेली कौन है, बेली वो पर्सन है जो दूसरे के गुड्स को बड़े इसे हम बेलमेंट और प्लेज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि बेली कौन है, तो बेली वो पर्सन है जो दूसरे के गुड्स को बड़े ही संभाल के रखता है। हु, जैसे हम बेली को कोई पोजेशन ऑफ गुड्स दे देते हैं, बेसिकली बेली इज द पर्सन Whom the owner has given possession of goods, ठीक है जी। तो उस केस में वो जब possession देते हैं, suppose हम किसी की कार लेके आए हैं ना घूमने के लिए, उसे हम संभाल के रखते हैं, तो वो बेली की condition में आ जाता है। Similarly, finder of lost goods को भी बच्चे बेली की तरह एक्ट करना पड़ता है। बेली कौन होता है, मतलब अगर उसको कोई लॉस्ट गुड्स मिले तो उसको बड़े संभाल के रखने पड़ेंगे, उसके ट्रू ओनर को फाइंड करना पड़ेगा, उसको वापस देना पड़ेगा। तो द फाइंडर इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डनरी प्रूडेंस, जितनी एक ऑर्डनरी नॉलेजेबल या इंटेलिजेंट पर्सन दूसरे के सामान की देखभाल रखता है, सिमिलरली वैसे ही उसको फाइंडर ऑफ गुड्स को गुड्स का संभाल रखना पड़ेगा। वुड हैव टेकन ऑफ हिज ऑन गुड्स, बेली इज द पर्सन होम द ओनर हैज गिवन पोजेशन ऑफ गुड्स, ठीक है जी। इसे हम बेलमेंट वाले चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे,
जो अभी 13 चैप्टर आएगा, अभी हम 10th चैप्टर पे हैं। सच अ फाइंडर मीन्स, अब फाइंडर कौन है, टेक सच गुड्स इन हिज कस्टडी। फॉर एग्जाम्पल किसी को रस्ते में कोई वॉलेट मिला, पर्स पर्स मिला, तो वो उसको अपनी कस्टडी में रख लेता है। टेक केयर ऑफ गुड्स एज इज ओन, अपने जैसे पर्स को संभाल के रखता है उसको भी संभाल के रखेगा। शुड टेक केयर नेसेसरी मेजर्स टू फाइंड द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स, तो उसने काफ़ी उसको मेजर्स लेने चाहिए कि उसने ट्रू ओनर को फाइंड करने की कोशिश की है। शुड रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर, तो ट्रू ओनर को वापस करें। एंड देन सच अ फाइंडर शुड बी कंपनसेटेड बाय द ट्रू ओनर। ट्रू ओनर मीन्स, अगर सपोज उसको ढूंढने में उसका कोई ऑटो रिक्शा रेंट लगा, ठीक है, कोई और छोटा मोटा खर्चा हुआ, तो बेसिकली ही कैन रिटेन द अमाउंट अप टू द, जो उसके गुड्स गुमे हैं उसकी 2/3 अमाउंट तक की वैल्यू तक वो क्लेम कर सकता है। देन अनटिल द ट्रू ओनर इज फाउंड, द फाइंडर हैज राइट टू रिटेन सच गुड्स एज हिज ओन अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो उस केस में उसके पास क्या बन जाता है, अगेंस्ट, तब तक उसके पास वो राइट मिल जाता है उसको कि वो गुड्स अपने पास रखे। द फाइंडर ऑफ द गुड्स हैज नो राइट टू सू द ओनर फॉर कंपनसेशन, बट ही कैन रिटेन द गुड्स अनटिल ही रिसीव सच कंपनसेशन। तब तक वो गुड्स संभाल के रख सकता है जब तक उसको कंपनसेशन नहीं मिल जाता, बट वो उसको स्यू नहीं कर सकता कि उसको कंपनसेशन दे ही दे, कोर्ट में नहीं ले जा सकता। मतलब स्यू मतलब उसके ऊपर केस क्या करेगा कि अगर उसको कंपनसेशन नहीं मिल रहा, हाँ उसके गुड्स संभाल के रख सकता है, हाँ जी आप मुझे कंपनसेट कर दो, मेरे इतने पैसे लगे आपको ढूंढने में, आप मुझे इसकी पेमेंट कर दो, ठीक है जी। तो अंडर सेक्शन 169 फाइंडर कैन सेल सच गुड्स व्हेन, तो अगर किसी फाइंडर को गुड्स बेचने हैं तो कब बेच सकता है, इफ़ द गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर, गुड्स ऐसी नेचर के हैं जो खराब होने वाली स्थिति में है, तो पेरिशेबल नेचर के हैं तो वो गुड्स बेच सकता है। सेकेंडली व्हेन द अदर ओनर कुड नॉट बी फाउंड आफ्टर रीजनेबल एफर्ट्स, उसने बड़े ही रीजनेबल एफर्ट्स लगाए बट ओनर का फिर भी कोई पता नहीं चला। थर्ड द ओनर इज फाउंड व्हेन ही, ओनर इज फाउंड बट ही रिफ्यूजेस टू पे द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर, उसने लॉफुल चार्जेस देने से इनकार कर दिया, ओनर का पता चल गया बट उसने लॉफुल चार्जेस नहीं दिए, तो वो गुड्स को सेल भी कर सकते हैं। व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर अमाउंट्स टू 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द लॉस्ट गुड्स, लॉफुल चार्जेस के हैं 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, ये हमारे लॉफुल चार्जेस होते हैं, ठीक है जी। इसका भी अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो अगर हम बात करें कि डिलीवरी मनी पेड और थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन, तो ये अलग चीज़ है, बट उसकी पहले एग्जाम्पल देखते हैं लास्ट वाले की। तो जैसे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है ना, तो उस केस में अगर सुहेल एक डायमंड शॉप पे बैठा था, ज्वेलरी शॉप पे बैठा था, एंड ही फाइंड्स अ डायमंड ऑन द फ्लोर, फाइंड्स अ डायमंड ऑन द फ्लोर, उसने दुकानदार को कहा ये किसी का डायमंड है इसका पता लगाओ। सुहेल हैंड ओवर द डायमंड टू द शॉप ओनर, सुहेल ने क्या किया, शॉप ओनर को डायमंड हैंड ओवर कर दिया। तो इन स्पाइट ऑफ सेवरल एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर नो वन क्लेम्स दैट डायमंड, तो किसी ने वो डायमंड क्लेम नहीं किया, शॉप ओनर ने भी बड़े सारे किए। तो सुहेल क्लेम्स द डायमंड फ्रॉम दैट ज्वेलर, सुहेल ने कहा भी मुझे वो डायमंड फिर वापस दे दो अगर किसी ने क्लेम नहीं किया। तो डायमंड ज्वेलर शॉपकीपर रिफ्यूजेस टू रिटर्न द डायमंड, तो उस केस में ज्वेलर वाज बाउंड टू रिटर्न द डायमंड टू सुहेल हु इज एंटाइटल टू रिटेन दैट डायमंड, वो एंटाइटल था बिकॉज वो फाउंडर था, तो उसके पास एंटाइटलमेंट है, जब तक उसका रियल ओनर नहीं मिल जाता तो वो वापस लेकर अपने पास उसे रख सकता है। तो इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी थी, उसने काफ़ी कोशिश भी की, उसने दिया भी किसी को ढूंढने के लिए, एंड लेटर ऑन वो खुद भी रिटेन करके रख सकता है अगर उसका रियल ओनर नहीं मिला तो। तो इस तरह से भी लास्ट में आया था सेक्शन 72 मनी पेड और थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन, अ पर्सन टू होम सम मनी हैज़ बीन पेड और एनी थिंग इज बींग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन, देन सच पर्सन इज बाउंड टू रीपे और रिटर्न टू द पर्सन हु पेड इट और बाय मिस्टेक। तो उस केस में वो दूसरा पर्सन जिसको गलती से पेमेंट होगी या कोई ज़बरदस्ती करवाएगी तो वो वापस करने के लिए भी लायबल होगा। ए एंड बी ज्वाइंटली ओन्स 5000 टू सी, ए अलोन पेज द एंटायर अमाउंट टू सी, बी नॉट अवेयर ऑफ सच पेमेंट मेड बाय ए टू सी पेज 5000 अगेन टू सी, इट वाज हेल्ड एट सी इज बाउंड टू रीपे बी, मतलब सी कौन है, बाउंड है जी रीपे करने के लिए बी को, बिकॉज उसको ऑलरेडी पेमेंट
मिल चुकी है एंड ही कैन नॉट टेक द, बाय मिस्टेक दोनों ने दो बारी कर दिया, तो ऑब्वियसली ही हैज़ टू पे बैक द मनी, तो उसको लेनी ही नहीं चाहिए थी पहले तो, ले ली तो बट उसको वापस देना पड़ेगा। लास्ट में एक पॉइंट आया था जी क्वांटम मेरिट का, क्वांटम मेरिट दिस इज द रेमेडी फॉर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली क्या चीज़ है, रेमेडी है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब क्वांटम मेरिट क्या है, एज मच एज अर्नड, इसका मतलब क्या है क्वांटम मेरिट का, जितना कमा सके हैं, एज मच एज अर्नड, इसका मतलब क्या है, द राइट टू क्लेम क्वांटम मेरिट डजंट अराइज आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होता, बट इट इज़ अ क्लेम ऑन क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, ये कौन सा क्लेम है, क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के ऊपर क्लेम है, दैट इज द रेमेडी अवेलेबल इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स इन क्वांटम मेरिट। तो रेमेडी किस तरह से है, बेसिस क्या है फॉर क्वांटम मेरिट, तो इसको हम कैसे समझते हैं, व्हेन अ पर्सन हैज डन सम वर्क अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द अदर पार्टी रेपुडिएट्स और कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, किसी पर्सन ने कोई काम किया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दूसरी पार्टी ने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, और बिकॉज ऑफ सम इवेंट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी इवेंट के कारण वो अब इम्पॉसिबल है परफॉर्म करने के लिए, देन द पार्टी हु परफॉर्म्ड कैन क्लेम रेवन्यूरेशन फॉर वर्क ही हैज़ ऑलरेडी डन, कल को वो फिर जितना काम किया उसके लिए वो, जितना भी काम उन्होंने कर चुका है उसके लिए वो क्लेम कर सकते हैं, इसी बोलते हैं क्वांटम मेरिट। द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइज ओनली वेन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, क्लेम कब आएगा, जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा उसके बाद क्लेम कर सकता है। फर्दर द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट कैन ओनली बी ब्रॉट बाय द पार्टीज हु वाज नॉट एट फॉल्ट, मतलब जो क्लेम तभी हो सकता है अगर पार्टीज का कोई भी उसके अंदर फॉल्ट नहीं पाया जाता, ठीक है जी। तो दूसरा रेमेडी फॉर क्वांटम मेरिट इज रेस्टिट्यूटरी, रेस्टिट्यूटरी का क्या मतलब है, डजंट अराइज ऑन द ब्रीच ऑफ, द रेमेडी फॉर क्वांटम मेरिट डजेंट अराइज ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो क्वांटम मेरिट का प्रोविजन है उसकी रेमेडी है, अगर इन केस कोई ब्रीच कर देता है उस केस में फिर क्वांटम मेरिट का बेनिफिट नहीं लिया जा सकता, इनफैक्ट इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू एन एक्शन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक अल्टरनेटिव है, अगर किसी ने ब्रीच कर दिया तो वो क्वांटम मेरिट से बच सकता है कि हाँ जी, द रेमेडी इज इन द नेचर ऑफ रेस्टिट्यूशन, एक तरह का रेस्टिट्यूशन पार्ट रोल प्ले करती है, जो रिस्टोर करने का रोल प्ले करती है। Restitution means putting the parties to the contract in the original position as they were before entering the contract. Restitution क्या है कि किसी को same position में ले आना जो contract करने से पहले थे। Therefore, quantum merit also enables the injured party to be compensated for the whatever work he may have done already. तो उस केस में भी अगर उसने कुछ ऑलरेडी काम कर दिया उनके लिए तो वो compensate करने के लिए, उनको restore करने के लिए भी वो काम करते हैं। द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइज कब अराइज होगा, वेन द एग्रीमेंट इज डिस्कवर टू बी वॉइड, जब एग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड डिक्लेयर हो गया, इज डिस्कवर टू बी अ वॉइड एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन हु रेंडर्ड हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन अंडर सच एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कंपनसेटेड फॉर द सर्विसेज सो रेंडर्ड, तो उसके लिए उसको कंपनसेट करना चाहिए। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझे, फॉर एग्जाम्पल अ प्रिंसिपल रिवॉक्स और विड्रॉज हिज एजेंट अथॉरिटी बिफोर द एजेंट कुड हैव फिनिश्ड हिज वर्क, बट द एजेंट कुड रिकवर फ्रॉम हिज प्रिंसिपल फॉर द सर्विसेज ही हैड रेंडर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जब तक के लिए वो उसका एजेंट था उसने जो भी काम एज ए एजेंट परफॉर्म किया उसके लिए वो लायबल करवा सकता है प्रिंसिपल को, अपनी सर्विसेज के लिए क्लेम कर सकता है, जब उसने उसको फ्री कर दिया उसके बाद की पेमेंट नहीं मांग सकता। दूसरा, क्लेम कब किया जा सकता है, व्हेन सम एक्ट इज डन नॉट ग्रेटिट्यूसली, कोई भी एक्ट किया गया बट वो ग्रेटिट्यूसली नहीं किया गया। थर्ड, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू रेंडर सर्विसेज बट देयर वाज नो एग्रीमेंट एज टू रेमुनरेशन, इन सच केस अ रीजनेबल रेमुनरेशन इज पेबल, कोई कॉन्ट्रैक्ट था एक्सप्रेस या इम्प्लाइड था बट कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, बट उस केस में रीजनेबल रेमुनरेशन पे करने के लिए पर्सन लायबल होता है। When the completion of the contract was prevented by the act of the other party to the contract, जो पार्टी थी completion उन्होंने खुद ने रोकी, तो वो जितना भी पार्ट उन्होंने काम करवाया तो उसके लिए पेमेंट वो करेंगे, बाकी की पेमेंट चाहे ना करें उस केस में भी क्वांटम मेरिट क्लेम किया जा सकता है। लास्ट में, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, वेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड द पार्टी परफॉर्म्स हिज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर विच द अदर इंजॉयड द बेनिफिट ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस, मतलब पार्टीज ने कुछ काम कर दिया जिसका बेनिफिट दूसरी पार्टी ले रही है, देन द लेटर मस्ट कंपनसेट द फॉर्मर,
मतलब जिस पार्टी ने कुछ काम किया तो लेटर की ड्यूटी बनती है कि वो जो फॉर्मर पार्टी है जिसने कुछ काम परफॉर्म किया है और क्लेम किया है उसके लिए क्वांटम मेरिट्स का क्लेम प्रोवाइड करना. फॉर एग्जांपल, ए एग्रीज टू डिलीवर बी 500 बैग्स ऑफ वीट व्हेन एंड ए हैज़ ऑलरेडी डिलीवर 10 बैग्स. ए ने 10 बैग्स ऑलरेडी डिलीवर कर दिए बट बी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एनी फर्दर सप्लाई. तो बी ने उसके बाद 10 बैग्स के बाद क्या किया कि मुझे बाकी के बैग्स नहीं चाहिए, उसने सप्लाई रोक दी. तो ए कैन रिकवर फ्रॉम बी द वैल्यू ऑफ वीट विच ही हैज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड. तो ए का राइट बनता है कि जो उसने 10 बैग्स वीट के दिए हैं वो 10 बैग्स की पेमेंट ले सके. ये क्वांटम मेरिट का बेनिफिट है जी. ठीक है जी. तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर. इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू.